ये बहराइच शहर का वो इलाका है जहाँ विसर्जन के दौरान एक बड़ा बवाल हो गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी इलाके में है, उसी स्थान पर है जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। ये घर है जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा, इसी जानकारी मिल रही है, चढ़कर झंडा लगा रहा था और इसी घर में जब ये साइड से चढ़ा है वापस आते समय इसको गोली मारी गई है। ये बगल में उनके पड़ोसी का घर है, हालांकि वो लोग नहीं हैं, सब फरार चल रहे हैं। पूरे मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है, कर्फ्यू जैसी स्थिति यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ मौजूद हैं पड़ोसी उनके, हम आंखों देखा हाल उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने की। ये रेलिंग आप देख लीजिए, ये वही रेलिंग है जो ऊपर छत पर लगी थी, झंडा लगाते समय ये टूट गई है। यहाँ पर मौजूद हैं बगल में पड़ोसी, आंखों देखा हाल वो बताएंगे, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ था, क्या घटना हुई थी जिसने आज एक बड़ा विकराल रूप ले लिया है, जो पूरे बहराइच में, पूरे देश में सनसनी का माहौल बना हुआ है। चाचा क्या नाम है आप? पप्पू जायसवाल। चाचा ये बताइए, जो घटना हुई, जो बच्चे को रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी, कौन से घर में उसको गोली मारी गई थी? ये हमारे छत से गए थे वो। अच्छा, रामगोपाल आप मिश्रा आप ही की छत से गए थे? हाँ, हमारे छत से गिर रहे और गोली उन्हें छत पर मारी गई, छती पर मारी गई, छती पर गोली मारी गई लैट्रिन के बगल से। लैट्रिन के बगल से। चाचा ये बताइए क्या कुछ हुआ था, क्या मंजर था उस वक्त? पहले से हम लखनऊ की लेके हैं दवा, फिर 3 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद प्रसाद हम बांटे लगे हैं, केला 50 किलो लिए रहे, उसका बांटे लगे हैं और उसके बाद हम जुलूस के साथ ही गए चुके हैं कुछ दूर। उसके बाद जब यहाँ धरना होने लगी है तो पता है यहाँ पर पथरा हुआ, बहनी माता जी को गरियाया गया। इन लोगों ने गरियाया? भाई इन्हीं की परिवार में गरियाया है। अच्छा, कुछ पथरावबाजी भी हुई थी, कुछ इस तरह का भी माहौल था? हाँ हाँ, पथरावबाजी तो भाई है। तो जब गोली लग गई उस बच्चे को, रामगोपाल को, तो उसके बाद क्या कुछ दहशत यहाँ पर थी, क्या माहौल था यहाँ का? नहीं तो हमारे, आप पड़ोसी हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या कुछ? तो हमारे घर से लावा गवा उनका बाहर है, मतलब मृतक अवस्था में मर चुके थे उस समय? हाँ, मर चुके रहे भाई, छत पे गोली लगी है और मर चुके रहे, लेकिन कुछ सांस चलता है, हमारे लग से हमारे घर में से लिपटा लगा ब्लेड पर छत पे। तो ये बताइए, सुनने में आ रहा है कुछ शीशे वगैरह, कांच की बोतलें भी फेंकी गई थी? हाँ, तो ऊपर सब छत पर पड़ी है हमारे। चाचा शुरुआत कहाँ से इसकी हुई थी, क्या कुछ हुआ जो ये शुरुआत हो गई इस घटना की? वो ये पथराव भवा है, मुस्लिम मौला ने जो अद्धा चलाई है भाई, वहीं से पथराव भवा है, वहीं से चालू हुआ है भाई। धरना जब रखे जब बैठ गए पब्लिक, जय जन विसर्जन वाले रहे, पूरे पब्लिक बैठ गए थे रोड पर। क्या नाम है इनका जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद, क्या व्यापार करते हैं? सोना चांदी। सोने चांदी का। तो बताइए, पकड़ लिया है पुलिस ने इनको या फिर फरार चल रहे हैं? फरार चल रहे हैं। पूरा घर भर? घर भर। अच्छा, लगभग आबादी मुस्लिम इस क्षेत्र में देखी जाए तो मुस्लिम के कितने घर ऐसे होंगे? 6000। 6000। तो क्या सभी अपने घरों में कैद हैं या सब निकल गए? नहीं, सब सब अंदर हैं, घरों के अंदर। इस समय स्थिति क्या है अगर देखा जाए मौजूदा टाइम पर, तो किस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर है? लोग कैसे अपना व्यापार चला रहे हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो किस तरह वो स्वास्थ्य प्रशिक्षण लेने के लिए? ऐसा है, पब्लिक जो बाहर वाले सतर्क रखे कि महाराज न जाओ भाई, ऐसा है बाहर वाले जो है अगल बगल वाले कि जो दहने बाएं के 1-2 किलोमीटर वाले हैं, तो सतर्क है कि महाराज न जाओ, बवाल बहुत लंबा है, मार डरी है। तो 3 दिन से ये बवाल चल रहा है, कैसे आप लोग रह रहे हैं, खाना पीना कैसे खा रहे हैं? तो हम रात में ना रहेंगे। रात में नहीं थे? हाँ, रात में नहीं थे। तो अब कैसे सब व्यवस्था चल रही है घर की? तो अभी हमारे परिवार भी ना आया हुआ है, परिवार इतने 2 किलोमीटर डिहुआ पे है, तो वहाँ पर परिवार है। अच्छा, और भी परिवार यहाँ मार्केट में होंगे, सब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही गुजर बसर, जितना हम सब कैसे ऐसे करा थे। तो साथियों, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये वही रेलिंग है, इसी रेलिंग को रामगोपाल मिश्रा ने तोड़ा था और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं घर का, इसी रास्ते से होते हुए वो अंदर गया था। उसके बाद उसके शव को, जब उसको गोली लग गई, इसी रास्ते से उसको वापस लाया गया है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये जो घर है अब्दुल हमीद का, जहाँ से बताया जा रहा है जहाँ पर गोली मारी गई है, ये वही घर है जो आप झंडा देख रहे हैं, इसी झंडे को लगाने को लेकर बवाल हुआ था। अब यहाँ पर पूरी मार्केट में कर्फ्यू जैसी स्थिति है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी गली आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पर सन्नाटा न पसरा हो। अब ये देखने वाली बात होगी बहराइच का, ये विसर्जन का जो बवाल है कब शांत होता है। बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट है।